मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, एडिक्शन स्पेशलिस्ट, एनएलपी ट्रेनर और एक कोच हूँ। काफी बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि जिनको बार 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 एक ही विचार आते रहता है। उनके वो कैरेक्टर का, उनके वो पर्सनैलिटी का एक पार्ट ही है समझ के चलो। कुछ लोगों को ये थॉट आते हैं कि भाई मैं यदि 3 बार ताला चेक ना करूं तो घर में चोरी हो जाएगी, या रात को 3 बार बोल्ट दरवाजा चेक ना करूं, दरवाजे का बोल्ट, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ लोग चलने के समय जो टाइल्स का जो जॉइंट रहता है वो टाइल्स के जॉइंट को अवॉइड करते करते चलते हैं, ताकि उनको लगता है कि टाइल के जॉइंट के ऊपर मैंने पैर रख दिया तो कुछ तो भी खराब हो जाएगा। कुछ लोग बार 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 हाथ धोते रहते हैं और वो हाथ धोते ऐसा उनको लगता है कि अपना हाथ खराब हो गया। एक अभी योग मेरे पास में आया था, उसको बार बार ऐसे विचार आते हैं कि अपने खुद का लेट्रिन मतलब मोशन संडास खाना, वो विचार उसको आते हैं। उसको ये मालूम है कि वो खाने वाला है नहीं, और उसको इतने बार बार वो विचार सताते रहते हैं कि अभी मैंने संडास खाने, संडास खा लेना, कि मेरी मैं संडास खा लूंगा, ऐसे विचार उसको आते, उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। किसने उनको कुछ बोल दिया, अच्छा बोलो या गलत बोलो या बुरा बोलो, बस वही विचार उनको बार बार आएंगे, उसने बोला क्यों, बोला क्यों, बोला क्यों, बोला क्यों, ऐसा आएंगे। तो ये रिपीटेड थॉट्स है, ये रिपीटेड थॉट्स एक तो वो कम मात्रा में दे रहे तो चल जाता है, क्योंकि कम मात्रा में दे रहे तो ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि वो चेक करते बार बार तो गलतियां बिल्कुल ये लोगों के हाथ से होंगे नहीं। तो ऐसा बोलते हैं कि जो ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी जो है या परफेक्शनिस्टिक जो लोग हैं वो कुछ लेवल तक अच्छे हैं, कुछ लेवल तक उनका काम भी अच्छा होता है, उनका काम नीट एंड क्लीन होगा, उनकी वस्तुएं सब जगह जगह पे बराबर टाइम पे मतलब मिल जाएंगी, उनका घर भी एकदम साफ सुथरा रहेगा, घर में कोई काड़ी कचरा नहीं रहेगा, एकदम मस्त मस्त रहेगा एकदम बिल्कुल। तो कुछ हद तक बहुत ही अच्छा है, मगर जब इसकी हद पार हो जाती है, जब ये खुद को भी तकलीफ उससे उनको होती है और लोगों को भी तकलीफ वो करवाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसमें उनका इलाज यदि उनकी इच्छा है तो हो सकता है, उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, मतलब एक प्रकार की वो साइकोथेरेपी मानसोपचार है, फिर हम साइकोथेरेपी करते हैं अलग अलग प्रकार की, उनको हिप्नोथेरेपी करवाते हैं, उनको बिहेवियर थेरेपी करवाते हैं, और ये बीमारी बहुत कोशिश करके मतलब बहुत एफर्ट्स करके अच्छी हो सकती है। तो जरूर ये लोगों के साथ में वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।